Awakening with Brahma Kumaris. Namaskar. Welcome to Awakening with Brahma Kumaris. Welcome, sister. Om Shanti. Om Shanti and welcome to Soul Reflections. Thank you so much. As usual, kuch padhna chahunga. Exhale the old limiting beliefs, self-doubt, and past pain. Today is a new day, a new start, and a new beginning. Inhale and begin a new life. Beautiful. Exhale the old limiting beliefs, self-doubt, past pain. Exhale, matlab usko bahar nikalna hai hame apne system se. Today is a new day, a new beginning. And very beautifully said, inhale a new life. Kitni baar hum purani baaton ko ya kisi bhi cheez ke bare mein apne purane nazariye ko kisi vyakti ke bare mein kisi situation ke bare mein apne bare mein apne nazariye ko bahut lamba pakad ke chalte hain aur atma ki journey jab hame samajh mein aati hai to ye samajh mein aa jata hai ki itna lamba agar pakad ke chala ki sharir chhodne se pehle bhi usko nahi choda तो आत्मा एक नया कॉस्ट्यूम लेगी और एक छोटा बच्चा भी एक बहुत सारे बिलीफ सिस्टम्स के साथ चल रहा होता है ये जो पकड़ने की बात कर रही थी इसका मतलब ये है कि जो मैं उसके बारे में सोचता हूँ उस सिचुएशन या व्यक्ति के बारे में मेरा जो एक इमेज क्रिएट हुआ है वो मेरा जो पर्सपेक्टिव है ना किसी चीज के बारे में चाहे वो सिचुएशन के बारे में है ये सिचुएशन अच्छी नहीं ये व्यक्ति ठीक नहीं मतलब ये चीजें जो मैं 40 साल पहले पकड़ के रखा हूँ तो अभी भी Actually, पकड़ के अभी रखा भी मैं कभी जाता हूँ उस जगह तो मुझे याद आता है वो कि ये नहीं, तो... कोई भी आपकी जीवन की कोई भी बात के बारे में भी किसी ने आपको बहुत दिन पहले कुछ कहा था उसने लिखा है ओल्ड बिलीफ सिस्टम सेल्फ डाउट पास्ट पेन तीन चीजें हैं पुरानी कोई मान्यता कि ये ऐसे हैं ये ऐसे हैं यही सही है यही गलत है ओल्ड बिलीफ सिस्टम जो हमारे लिए अगर हेल्दी नहीं सेल्फ डाउट आत्मविश्वास की कमी अपने ऊपर ही कॉन्फिडेंस नहीं जैसे हमने पिछली बार भी देखा मैं फेल ही होता हूँ मेरे से होता ही नहीं है मैं कमज़ोर ही हूँ ये मेरे से नहीं होगा ये सब सेल्फ डाउट है पास्ट पेन किसी ने हमारे साथ कुछ किया कहा हमें लगा वो गलत था हमने हर्ट क्रिएट किया रिकॉर्ड हो गया पकड़ के रखा है कितनी ब्यूटीफुल लाइन है उसको एक्सहेल करो और एक नए जीवन को इनहेल करो तो ऑटोमेटिक नया जीवन इनहेल हो जाएगा अपने आप हो जाएगा और उसने कहा नाउ इज द न्यू मोमेंट द न्यू डे द न्यू लाइफ कितने वहम दूर हो जाएंगे इन चीजों से अगर मैं सारे एक्सेल कर दूं तो ये आठ नंबर का जब भी मुझे रूम मिलता है ना वो अनलकी ही रहता है मैं शूटिंग में ऐसा सोचता था तो छोटी बातें हैं अच्छा ये तो है कोई वहम कुछ है बहुत दर्द जो हमने पकड़ के रखा है कोई सिचुएशन के बारे में किसी रिश्ते में हमारे साथ कुछ हुआ वो पकड़ के रखा है और हमने सोचा ये तो है ही मतलब वो बात को हमने चेंज नहीं किया अपने सिस्टम से बाहर नहीं निकाला तो वो बात जो हमने पकड़ के रखी है वो आत्मा पर भी असर डाल रही है शरीर पर भी असर डाल रही है और उसने कहा उसको एक्सहेल कर दो आज एक नई शुरुआत हो सकती है तो एक नए जीवन को इनहेल करो अब हमें सिर्फ अगर आज हम बैठकर रिफ्लेक्ट करें कितनी पुरानी बातें कितने लोगों के बारे में नज़रिए कितना अपने बारे में कोई ऐसी थॉट कि जहाँ हमारा अपने ऊपर विश्वास नहीं कितनी सारी अगर हमने ऐसी बातें पकड़ के रखी हैं अगर आज हम 10 मिनट का टाइम निकालते हैं अपने साथ एक डायरी लेकर बैठते हैं और सिर्फ लिखते हैं व्हाट ऑल एम आई होल्डिंग ऑन टू विच इज़ नॉट हेल्दी फॉर मी
there will be a but long, we never long know list. That it is not healthy for me while we are holding on to anything which causes pain and discomfort. शरीर के लिए हम हेल्दी कब कहेंगे? फ्लेक्सिबल है, कोई एक्स एंड पेन्स नहीं है, पूरा सिस्टम अच्छा चल रहा है, हेल्दी. आज मुझे यहाँ दर्द, वहाँ दर्द, यहाँ स्टिफनेस कुछ होने लगे, तो आई विल से दिस इज द फर्स्ट साइन ऑफ अ डिसकम्फर्ट. अभी बीमारी भी नहीं, डिसकम्फर्ट. आई एम नॉट कम्फर्टेबल. जितना ईजिली मैं पहले उठ सकती थी, बैठ सकती थी, चल सकती थी, अब थोड़ा सा दर्द हो रहा है. अगर डिसकम्फर्ट, जब फर्स्ट साइन ऑफ डिसकम्फर्ट पे अगर हमने नहीं कुछ किया, तो वो डिसकम्फर्ट तो बढ़ता जाएगा, फिर कुछ समय बाद जाकर वो एक डिजीज बनेगा. लेकिन फर्स्ट साइन जो आता है वो डिजीज का नहीं आता, डिसकम्फर्ट का आता है. मेरी गाड़ी के दरवाजे में थोड़ी सी आवाज आ रही थी चलते चलते, खड़खड़ खड़खड़ खड़खड़. मैंने कहा जो जाते जाते स्क्रू टाइट करवा ले. अरे जब तक गाड़ी चलती है चलाओ ना यार. हाँ, तब देखेंगे. हाँ. तो इस तरह बॉडी को भी बोलते, जब तक खींचता हूँ खींच लेते हैं. बॉडी को भी खींचते हैं, लेकिन व्हाट अबाउट द सोल? हाँ, अभी तो मैं फिजिकल बातें कर रहा हूँ, लेकिन सोल का हमको मालूम नहीं है ना. हमें मालूम है ना, डिसकम्फर्ट. डिसकम्फर्ट है, लेकिन ये नहीं मालूम कि ये एक बीमारी हो बढ़ सकती है इस तरह. सपोज बहुत साल पहले मुझे कभी पहली बार गुस्सा आया या पहली बार टेंशन हुई, इट वॉज द फर्स्ट साइन ऑफ डिसकम्फर्ट. पहली बार मुझे किसी और की सक्सेस देख के अगर प्रॉब्लम आई थोड़ी सी, इट वॉज द फर्स्ट साइन ऑफ जेलेसी. पहली बार मैंने किसी और के बारे में निंदा की, इट वॉज द फर्स्ट साइन ऑफ क्रिटिसिज्म. बट उस टाइम पे हम समझते हैं इट्स नेचुरल, लेकिन वो डिसकम्फर्ट तो था. अब वो डिसकम्फर्ट क्योंकि बहुतों को हो रहा था मेरे आसपास, और आसपास के सब लोगों ने कहा ये तो नेचुरल है. मुझे भी यही लगता है, मुझे भी वो आदमी पसंद नहीं है, वो है ही ऐसा. हाँ, तो हमने उस डिसकम्फर्ट को क्या कर लिया, नेचुरल कह दिया. जैसे आपने कहा गाड़ी की दरवाजा अगर थोड़ी सी आवाज कर रहा था, अगर उसको हमने नॉर्मल एक्सेप्ट कर लिया कि ये गाड़ी इतनी आवाज करनी है, ये तो इस गाड़ी के लिए नॉर्मल है, तो हमने उसको ठीक नहीं किया. ठीक नहीं किया, हम उसके साथ चलते रहे, लेकिन धीरे धीरे वो जो डिसकम्फर्ट है वो तो बढ़ता जाएगा. तो स्टार्ट हुआ होगा पहली बार गुस्सा, पहली बार एंग्जाइटी, पहली बार फियर, डिसकम्फर्ट. हमने उसका कुछ नहीं किया, वो धीरे 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 बढ़ता गया. आज हमने टेंशन वर्ड को छोड़ दिया, हमने कहा स्ट्रेस, आई एम वेरी स्ट्रेस्ड. फिर हम स्ट्रेस के साथ भी चलते गए, क्योंकि समाज ने कहा स्ट्रेस इज नॉर्मल. जब ये हुआ और स्ट्रेस के लेवल पर भी हमने ठीक नहीं किया, आज हम कहते हैं आई एम फीलिंग वेरी डिप्रेस्ड टुडे. पहले था आई एम टेंस्ड टुडे, देन आई एम स्ट्रेस्ड टुडे, नाउ वी हैव रीच्ड टू अ स्टेज वेयर वी से आई एम वेरी डिप्रेस्ड टुडे. तो डिसकम्फर्ट धीरे धीरे क्या होता गया, बढ़ता गया. अब वो कहता है कोटेशन जो आपने रीड की अभी, कि चाहे कितना भी था आज उसको एक्सहेल करो और आज एक नई शुरुआत हो सकती है. दिस इज़ अ वेरी पावरफुल थिंग, क्योंकि आज जब हम इतने भाई बहनों से मिलते हैं कि संस्कारों को चेंज करना, अपनी आदतों को बदलना, सो द फर्स्ट बिलीफ सिस्टम जो मेजॉरिटी के पास है वो है ये तो बहुत डिफिकल्ट है. एंड अगर पूरा उनके साथ शेयर करो, डिस्कस करो, ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, उसके बाद उनको कहो आप इसको करेंगे, कहते कोशिश करके देखते हैं, दे आर नॉट वेरी श्योर, दे डोंट हैव फेथ ऑन देमसेल्व्स कि संस्कार भी चेंज हो सकता है. कहते हैं ना कि मैं आई वाज बोर्न लाइक दैट, मेरी तो नेचर ही यही है, बाय बर्थ ही मैं ऐसे हूँ. कोई बात तो नहीं, इतना कंफर्म्ड है वो. बाय बर्थ भी अगर मैं ऐसा हूँ तो इट इज बिकॉज इट इज अ पास्ट कैरी फॉरवर्ड संस्कार. लेकिन है तो वो संस्कार. जब जानवर को टेम कर सकते हैं, हाथी को बांध सकते हैं, हाँ. तो ये क्या चीज है फिर, हम ये नहीं सोचते ना. जो चीज हमने की नहीं कभी, वो हमें लगता है कि बहुत मुश्किल है. हम मिलते हैं, करना नहीं चाहते. हम मिलते हैं साइंटिस्ट से, इंजीनियर से, एडमिनिस्ट्रेटर से, डॉक्टर से, बिजनेसमैन, बड़े बड़े काम कर रहे हैं,
बड़ा बड़ा योगदान देश को और दुनिया को दे रहे हैं, इतनी उन्होंने सालों की पढ़ाई की है, इतनी इन्वेंशंस की है, इतने कमाल करके दिखा दिए बाहर की दुनिया में, मतलब ये वो आत्माएं हैं जो कमाल कर सकते हैं, कमाल कर सकते हैं। लेकिन जब एक इतनी छोटी सी बात आती है कि अपने संस्कार को चेंज कर लें, वो डिफिकल्ट लगता है। थोड़ा सा योगदान अपने को दो, थोड़ा सा कमाल अपने ऊपर करो। लेकिन वो डिफिकल्ट क्यों लगता है? क्योंकि सिर्फ क्योंकि वो कभी किया नहीं है। जो डॉक्टर रोज सर्जरी कर रहे हैं, उनके लिए सर्जरी करना बहुत इजी है, वो तो रोज कर रहे हैं, वो नींद से उठेंगे, पहुंचेंगे और कर देंगे हॉस्पिटल में। जिसने कभी नहीं की है, उसके लिए तो वो असंभव है। लेकिन कोई भी अगर पढ़ेगा, सीखेगा, करेगा तो कर लेगा। लेकिन अगर हमने सबसे पहले अपने आप को कह दिया ये नहीं हो सकता, ये मैं नहीं कर सकता, तो मैंने तो करने का शुरुआत भी नहीं की। द बिगेस्ट बिलीफ सिस्टम विच इज ब्लॉकिंग अ ट्रांसफॉर्मेशन, इट इज दिस दैट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू चेंज संस्कार। संस्कार नहीं बदल सकता, आदत नहीं बदल सकती, क्योंकि इतने सालों से उस आदत को यूज करते 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 हम फील करना शुरू करते हैं कि हम उस आदत के परवश हैं। हम उस आदत को नहीं चलाते हैं, वो आदत हमें चलाती है। सही बात। जब हमें ये अवेयरनेस होगी कि गुस्सा हम क्रिएट करते हैं, इस आदत को हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये हमारी चॉइस है। लेकिन जिस दिन हमें फील होगा कि गुस्सा हम करते नहीं, वो तो अपने आप आ जाता है, मेरा मन बुद्धि शरीर अपने आप उस चीज़ की तरफ चला जाता है, मतलब हम उस आदत को नहीं यूज़ कर रहे, वो आदत हमें चला रही है। और जब हम फील करते हैं वो आदत हमें चला रही है, मतलब हम उस आदत के हो गए गुलाम। और जब हम फील करते हैं हम किसी चीज़ के गुलाम हो गए हैं, तो फिर फ्रीडम, लिबरेशन या उस आदत से निकलकर बाहर आना हमें बहुत मुश्किल या असंभव लगता है कि दिस इज नॉट पॉसिबल। सो इवन दो वी वॉन्ट टू कम आउट ऑफ इट, हम उस बात को बदलना चाहते हैं, हमारा बिलीफ सिस्टम हमें ट्रांसफॉर्मेशन से रोकता है। कई लोग कहते हैं मैं भी ऐसा जीवन जीना चाहता था, लेकिन चलो अब अगले जन्म में करें। अगले जन्म में वैसे भी करेंगे कैसे? हाँ, ये भी एक प्रॉब्लम है। अगले जन्म में करेंगे कैसे? व्हाट वी आर ट्राइंग टू से, जब हम कहते हैं कि अगले जन्म में करेंगे, कि ये जन्म में तो मैंने बहुत सारी चीजें कर ली, अभी मेरा हिसाब किताब तो सारा ऊपर नीचे हुआ हुआ है, तो इस जन्म में इस केओस को ठीक करना जो मैंने अपने जीवन में क्रिएट कर लिया, अपनी आदतों में, अपने संस्कारों में, इस केओस को ठीक करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, अगले जन्म में करेंगे। ये हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि अगला जन्म प्लेन न्यू बिगिनिंग होगा। वैसा नहीं होता। अगला जन्म तो न्यू बिगिनिंग होगा नहीं, जिस रास्ते पे ले जाके छोड़ो वहां से शुरू होगा। अगला जन्म इस केओस के साथ ही स्टार्ट होगा ना। आज अगर मैं आत्मा कमजोर हूँ, मैंने बहुत सारी एडिक्शंस लगाई हुई हैं, मेरे से छूटती नहीं है, मेरे पास विल पावर नहीं है, मैं अंदर से इरिटेटेड हूँ, डिप्रेस्ड हूँ, अपसेट हूँ उस बात को लेकर, और इस स्थिति में मैंने शरीर छोड़ दिया, तो आई एम नॉट गोइंग टू बी बॉर्न अ वेरी पावरफुल सोल। ऐसा नहीं होने वाला है कि वो बच्चा पैदा होगा शक्तिशाली, जो चाहेगा वो कर लेगा, जो चाहेगा वो पालेगा, नहीं। इसीलिए आज हमें इतने सारे बच्चे मिलते हैं और उनके पेरेंट्स कहते हैं इनको कितना भी कहो इनसे नहीं होता, ये हमारा कहना नहीं मानते। छोटे छोटे बच्चों के लिए आज हम कहते हैं ये आदत ये नहीं चेंज करते। जब एक छोटे से बच्चे के लिए हम कहेंगे कि ये आदत ये चेंज नहीं कर सकता, तो उस बच्चे का भविष्य क्या है? कितना कन्फर्म कर दिया ना उसके लिए। नहीं, वो फील होता है ना, क्योंकि जब हम अपनी आदतें नहीं बदल सक रहे। आज छोटे छोटे बच्चे आईपैड देख के खाना खा रहे हैं, गेम्स देख के खाना खा रहे हैं, इट्स ओके, आदत पड़ गई, कहीं अनअवेयर हमने ये आदत डाल दी, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी थी कि बच्चा खाना खा ले तो साथ में टीवी चल रहा है, कोई बात नहीं। तो 2 साल के बच्चे के साथ, 3 साल के बच्चे के साथ हमने ये तरीका अपनाया खाना खिलाने के लिए, खाना उसने खाना शुरू कर दिया,
अब उसको खाना खाने की आदत तो पड़ गई है अच्छे से जो हम खिला रहे हैं, लेकिन साथ में उसको टीवी देखने की आदत पड़ गई है। अब अगर हमें कोई डॉक्टर बताए, कोई काउंसलर बताए, कोई भी हमें बताए कि ये आदत ठीक नहीं है, लेकिन पेरेंट्स का जो इमीडिएट आंसर आएगा, मेरे बच्चे को तो अब तो ये आदत पड़ गई, आदत पड़ गई। मैंने कई बार कहा कितने पेरेंट्स को कि भाई इतना छोटा सा बच्चा उसको चाय पिला रहे हो यार, चाय टोस्ट खाएगा। मतलब चाय क्यों, दूध दो या कुछ और पिला दो उसमें, दूध का अगर टेस्ट अच्छा नहीं लगे। नहीं, अब तो उसको आदत पड़ गई उसकी और उसको अच्छा लगता है ना। Now we see what is happening. जो चीज हम नहीं कर सकते या हमें लगता है कि वो मुश्किल है, हमने कितने इजीली छोटे छोटे बच्चों के लिए भी कह दिया कि ये भी नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ कि वो सोल जो इस तरह की बातें करता है, द पेरेंट, वो कितना वीक सोल होगा। खुद अगर वीक नहीं है तो दूसरे को क्यों मिलेगा ये नहीं छूटेगी, अब तो आदत पड़ गई। अगर वो पेरेंट, वो आत्मा ये बिलीव करती है कि आदतें बदली नहीं जा सकती, क्योंकि वो आत्मा बिलीव करती है कि मैं खुद अपनी आदत नहीं चेंज कर सकी या कर सका, तो वो ये ऑटोमेटिकली बिलीफ सिस्टम बच्चे के लिए रेडिएट हो जाएगा। अगर आज आप अपनी आदतों पर वर्क कर रहे हैं, दिस इज ऑल्सो अ टेक्निक ना, एक टेक्निक पता होनी चाहिए कि आदत बदलनी कैसी है। फिर आपने उसको करके देखा और आपको रिजल्ट मिला कि आपने ये पर्टिकुलर आदत चूज की, आपने उस पर वर्क किया, वो आदत बदल गई। जब तक आप एक बार नहीं करेंगे कोई चीज़ को, तो आपको ये भी नहीं पता होगा कि वो हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो आपने वो कॉन्शियस एफर्ट किया, आपकी एक आदत बदली, तो आपका बिलीफ सिस्टम क्या बन जाएगा कि आदतें बदली जा सकती हैं। सिर्फ आदतें नहीं, कड़क से कड़क संस्कार, हैबिट, फिर भी हम बाह्य चीज़ों को कहेंगे, जैसे आपने कहा चाय पीना, टीवी देख के खाना खाना, ये तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, ये हैबिट कहेंगे, संस्कार, आत्मा के संस्कार। अब आपने ये भी प्रैक्टिस की और एक्सपीरियंस किया कि संस्कार भी बदला जा सकता है। एक बार आपने ये कर लिया, अगर आप अब किसी और को राय देंगे तो आप क्या कहेंगे, वो आदत और संस्कार ये तो बहुत इजीली बदला जा सकता है। हाँ। राइट? मैं अपना एग्जांपल भी दे सकता हूँ, ये था, देखो मैंने बदल दिया। अब आपका बिलीफ सिस्टम बना, संस्कार बदले जा सकते हैं। अब अगर आपको किसी बच्चे के अंदर कोई आदत या संस्कार दिखता है विच यू फील नीड्स टू बी चेंज्ड, आप उसके साथ वो मेहनत कर सकते हैं। आप कभी उस बच्चे के लिए ये नहीं कहेंगे कि ये आदत है, ये चेंज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपका वो बिलीफ सिस्टम है, और वो बिलीफ सिस्टम कैसे बना, आपके अनुभव से, एक्सपीरियंस से। तो जब आपका एक्सपीरियंस कहता है संस्कार बदले जा सकते हैं, आप अपने घर के बच्चों को क्या वाइब्रेट करेंगे, संस्कार बदले जा सकते हैं। फिर अगर छोटा बच्चा आपके पास है, आप उसको धीरे धीरे वो एफर्ट भी करवाएंगे, एंड बहुत थोड़े दिन में बच्चों का संस्कार चेंज करना तो बहुत ईजी है। क्योंकि जब आत्मा एक नया शरीर लेती है, वो अपने संस्कार कैरी फॉरवर्ड करके लाती है, लेकिन उसका नए शरीर और नए एनवायरनमेंट से अभी उतना अटैचमेंट नहीं है, जिसकी वजह से उसका जो ईगो है वो कम है। तो एक बच्चे की ग्रहण करने की शक्ति और वैसा बनने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। आत्मा जब माँ के गर्भ में है, हाईएस्ट इन्फ्लुएंस हो सकता है आत्मा पे। फिर बच्चा पैदा हुआ, छोटा है, हाईएस्ट इन्फ्लुएंस हो सकता है उस बच्चे के ऊपर, इवन जस्ट विद वाइब्रेशन बच्चे पर इन्फ्लुएंस हो सकता है। ऐसे बच्चे संस्कार लेकर आते हैं जो बहुत हैवी या नेगेटिव संस्कार लेकर आते हैं, लेकिन एक बहुत सात्विक परिवार में पैदा होते हैं, उनके ऊपर उस सात्विकता का असर हो जाता है। कोई ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जो बहुत सात्विक संस्कार लेकर आते हैं,
लेकिन एक ऐसे एनवायरनमेंट में पैदा होते हैं जहाँ हैवी संस्कार हैं, उनके ऊपर उसका असर हो जाता है, विच मीन्स बच्चों के ऊपर संस्कारों का असर बहुत जल्दी होता है, एंड विच मीन्स बच्चों के संस्कार चेंज करना इज द ईजिएस्ट. ये वाली भी आदतें नहीं, चाय पीना, टीवी देखना, संस्कार, संस्कार. तो बच्चों के संस्कार जल्दी उनको आ भी जाते हैं और निकल भी सकते हैं. सॉफ्ट है, मोल्ड किया जा सकता है. जितना ईगो बढ़ता जाता है हमारा, हमारा अपने संस्कार और अपने बिलीफ सिस्टम से अटैचमेंट बहुत बढ़ता जाता है, फिर हमारा चेंज होना हमें मुश्किल लगता है. चेंज तो कोई भी एज में हो सकता है, आत्मा ने चेंज होना है, लेकिन यंग एज में हम औरों की वाइब्रेशन से भी चेंज हो सकते हैं, पेरेंट्स की वाइब्रेशन से चेंज हो सकते हैं. उस समय हमारे पास, पेरेंट्स के पास, फैमिली के पास पावर है कि वो सिर्फ अपने बिलीफ सिस्टम से, सिर्फ अपनी वाइब्रेशन से भी बच्चे के अंदर चेंज ला सकते हैं. लेकिन अगर पेरेंट ने उस एज में ये बिलीफ सिस्टम रेडिएट कर दिया, ये तो आदत है, ये चेंज नहीं हो सकता, आगे जाके इस बच्चे ने हर चीज़ के लिए क्या कहना है, ये तो मेरी अब आदत बन गई है. बिलीफ सिस्टम कहाँ आया, पेरेंट से. बच्चे को सिखाया ही नहीं कि आदतें भी बदलती हैं. And that's why we always see on this program, whether it is parents, whether it is school, we were only taught how to speak, how to read, how to write, how to walk. We were not taught how to think. हमें नहीं सिखाया गया कि सोच कैसे बदलनी है, संस्कार कैसे बदलने हैं. ये सिखाया नहीं गया कभी भी. ये सिर्फ spirituality, meditation, religion हमें सिखाता है. संस्कारों की बात कहाँ होती है, सोच की बात कहाँ होती है, वो हो नहीं रही. तो अब हमें अपने इस पहले बिलीफ सिस्टम को कि आदतें बदली जा सकती हैं, एक्चुअली द ईजिएस्ट थिंग टू चेंज, द ईजिएस्ट थिंग टू चेंज इज अ हैबिट. ईजिएस्ट बाय बीइंग अवेयर, जस्ट बाय वांटिंग टू चेंज इट वी कैन चेंज अ हैबिट. क्योंकि इतने सारे काम जो बाकी हम दुनिया में करते हैं ना, तो आपको और 10 लोगों के साथ, 100 लोगों के साथ काम करना है. बहुत सारे और फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, दूसरे लोग, सिचुएशंस जो जीवन में आए, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, किस तरह के लोग हमें मिले, उन सब चीज़ों का भी इफ़ेक्ट है, एंड विच टेक्स अस टूवर्ड्स आर सक्सेस. लेकिन जब संस्कारों को चेंज करने की बात आती है, उस पर हम किसी भी और पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते. नहीं है ही नहीं ना डिपेंडेंट. आप अपनी आदत या संस्कार को चेंज करने के लिए किसी भी और चीज पर डिपेंडेंट नहीं है. आज बिजनेस भी करना है तो कहते हैं देश की इकोनॉमी किसी चीज पर डिपेंडेंट है. आपको आज यहाँ कोई काम करना है, आप आज के मौसम पर डिपेंडेंट हैं. कितनी चीज़ों पर हमेशा डिपेंडेंसी होती है जब हम काम कर रहे हैं, लेकिन जब अपना संस्कार बदलना है, इट इज़ दी ओनली वन थिंग जिसके लिए हम किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं हैं, जो कम्प्लीटली हमारे हाथ में है. और कोई कर भी नहीं सकता है, कोई और हमारे लिए कर भी नहीं सकता है. व्हेन समथिंग इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन एंड इट इज़ डिपेंडेंट ओनली ऑन मी, then it becomes the most easiest thing to do. थोड़ी काउंसलिंग कर सकता है दूसरा आदमी, और क्या कर सकता है. आपके संस्कार बदलने में कोई विघ्न नहीं आ सकता. वो विघ्न सिर्फ एक ही आत्मा डालती है, वो है हम खुद. हम खुद अपने संस्कारों को बदलने में बाधक बनते हैं, और कोई नहीं बन सकता. एंड दैट इज वाई दैट कोटेशन वॉज वेरी ब्यूटिफुल, लिमिटिंग बिलीव्स सेल्फ डाउट. Inhale, new journey, new life. Exhale, limiting beliefs, self-doubts. आज के समय में योगा, प्राणायाम, इसका बहुत महत्व है. जब आप ये quotation पढ़ रहे थे, तो I just had this thought कि जब हम योगा, प्राणायाम, exercise, walk ये भी कर रहे हैं, physical health के लिए कर रहे हैं, अगर हम ये साथ साथ उसके करना शुरू करते हैं, क्योंकि हम इनहेल कर रहे हैं,
एक्सेल कर रहे हैं. ब्यूटीफुल. हाथ ऊपर कर रहे हैं, हाथ नीचे कर रहे हैं, बैक को इधर बेंट कर रहे हैं, इधर बेंट कर रहे हैं. देयर इज ऑलवेज अ दिस साइड एंड अ दैट साइड. तो अगर हम ये भी साथ साथ करना शुरू करें, क्योंकि क्या होता है, नहीं तो शरीर एक्सरसाइज हम करवा रहे हैं, मन कुछ और सोच रहा है, इधर की प्रॉब्लम उधर की प्रॉब्लम, तो वाइब्रेशन अच्छी नहीं मिलेगी. आज हम एक छोटी सी प्रैक्टिस करते हैं जी. जब हम इनहेल एक्सहेल कर रहे हैं, चाहे मॉर्निंग 10-15 मिनट के लिए ही कर रहे हैं, तो हम अपने लिए चूज़ कर लें कि क्या मुझे इनहेल करना है और क्या मुझे एक्सहेल करना है. सपोज़ हम किसी बात को लेके हर्ट हैं, कोई हमें दर्द है, एंड हम पावरफुल और पीसफुल होना चाहते हैं, तो जब हम इनहेल करें, हम एक थॉट क्रिएट करें, आई एम अ पावरफुल पीसफुल सोल. तो हमारी हर इनहेल के साथ एक बहुत ब्यूटीफुल थॉट भी क्रिएट होगी, मैं एक शांत स्वरूप शक्तिशाली आत्मा हूँ. और हर बार जब हम एक्सहेल करें, मैं अपने अंदर के हर्ट को, रिजेक्शन को, फेलियर को एक्सहेल करते हो. सी द डिफरेंस दैट इट विल क्रिएट. देन इट विल नॉट बी जस्ट अ फिजिकल हेल्थ एक्सरसाइज, इट विल नॉट बी जस्ट कि हम ब्रीदिंग को स्टेबलाइज कर रहे हैं, हम आत्मा की ट्रांसफॉर्मेशन पे भी वर्क कर रहे हैं. एक्सरसाइज कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, हर मूवमेंट के साथ एक थॉट रखें, आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ हैप्पी सोल, आई एम अ लवफुल सोल. ये मेरे अंदर से बाहर निकल रहा है, मेरी बीमारी बाहर निकल रही है, मेरे अंदर का दर्द बाहर जा रहा है, मेरे अंदर की पुरानी जो ये बात पकड़ के रखी थी ये बाहर जा रही है. तो कितनी अवेयरनेस के साथ एक्सरसाइज भी कर सकते हैं. देन दैट एक्सरसाइज विल नॉट बी जस्ट फॉर द बॉडी, इट विल बी अ सोल एंड अ बॉडी, दोनों की एक्सरसाइज. ब्यूटीफुल सिस्टर, थैंक यू सो मच. ओम शांति. ओम शांति. थैंक यू. वी होल्ड ऑन टू आवर नेगेटिव पर्सपेक्टिव्स अबाउट अदर्स, about situations or about ourselves for a long time. Past hurt and betrayal seems difficult to forgive and forget. If we do not release it now, we will carry it with us to the next birth. When we see the first signs of discomfort in the mind, first trace of anger, jealousy, criticism, let us not call it natural. Like a physical discomfort should be treated immediately so that it does not lead to a disease. Same is with the mind. The belief system that blocks our transformation is changing a sanskar is difficult, almost impossible. Never for our own sanskars or for others should we say, this sanskar cannot be changed. When we are exercising or walking, we sometimes create mundane thoughts. Let us do it with awareness. Exhale the past hurt. Inhale, I am a powerful, peaceful soul with a healthy body. The exercise will then give health to the soul and body. If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Rajyoga Meditation Center, write to us on awakening@pmtv.in or call us on 09999 559-660. Om Shanti.